मेरठ में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में नया ट्विस्ट आया है। छात्रा और उसके परिजनों ने पड़ोस के रहने वाले लोगों पर छेड़छाड़ और जान से मारने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस की जांच में ये आरोप निराधार पाया गया। पुलिस अधिकारियों की माने तो दोनों ही परिवारों की पहले से रंजिश चल रही थी। पुलिस इस मामले में कई चश्मदीदों के बयान के साथ कुछ ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुष्टि हो रही है कि घटना को रंजिशाना प्लान किया गया है। दरअसल आरोप है कि ट्यूशन से घर जा रही एक छात्रा को बाइक सवार तीन मनचलों ने छेड़ने की कोशिश की, लेकिन जब छात्रा ने विरोध किया तो मनचलों ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घटना मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र फाजलपुरा की है, जिसमें युवती को गंभीर हालत में मेरठ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ अभी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपका नाम? मैं मोनिका, गौरव की बहन। मोनिका, क्या मामला है ये पूरा जो गौरव को आरोप लगा रही है लड़की? हमारा पहले राजगीर से मतलब झगड़ा हुआ था 26 तारीख को, उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने पुलिस में भी FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी कुछ नहीं करा। और कल राजवीर की लड़की की स्कूटी फिसल के गिर गई रिक्शा अड्डो पे, तो राजवीर ने लड़की का अपने मतलब रेप का केस लगा के तीनों लड़कों पे उन्हें जेल भेजने की वो करी है। उनसे कहा है कि इन्हें जेल भेज दिया जाए, वरना अगर तुम वापस मतलब केस नहीं लोगे तो हम इन्हें जेल भेजेंगे झूठे केस में। इससे पहले भी आप लोगों का झगड़ा हुआ था राजवीर? इससे पहले भी आप लोगों का झगड़ा हुआ था? 26 तारीख को झगड़ा हुआ था, उसी की कुनासी निकाल रहे हैं वो, झूठा केस लगाया जा रहा है। किस वजह से झगड़ा हुआ? ऐसे हुआ था मतलब आपस में दोनों में हुआ था, मेरे मामा में और राजवीर में। मुकदमा दर्ज हुआ था इसमें? हां जी, मुकदमा दर्ज है और रिपोर्ट भी मतलब हमारा मेडिकल हुआ है, काफी बच्चों को चोट आई है, सभी का मेडिकल हुआ है, सभी की वापस लगी हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी है अभी तक। और कल उनकी उनका केस हुआ तो अभी वो पुलिस वाले भी हमारे घर पर चक्कर काट रहे हैं, बताओ क्या करें, हम गरीब इंसान क्या करेगा। थाना कंकरखेड़ा का मामला है और कल एक थाने में सूचना दी गई थी कि वहाँ किसी एक लड़की के साथ तीन चार लोग छेड़छाड़ किए और उसके साथ मारपीट की। इमिडिएटली उसके बाद पहले तो उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है, और उसके बाद हम लोगों ने उनसे तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया। जो तीन उसमें नामजद लड़के थे उसमें से दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद मौके पर जो और लोग थे उन लोगों से पूछताछ शुरू की गई, हमारी टीम्स लगातार इसमें काम करना करती रही। हम लोगों के स्तर से भी जाकर के लोगों से पूछताछ की गई है। अब तक जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों परिवारों के बीच में जो कल जो पीड़िता है कल की जो जिसको चोट लगना बताया गया है उसमें और जो नामजद लोग हैं इन दोनों के परिवार में पहले भी एक विवाद हुआ था, जिसमें कंकरखेड़ा थाने में ही FIR दर्ज हुई है और उसमें से एक व्यक्ति को चोट लगी थी। जो ये अभियुक्त कल के अभियुक्त पक्ष के हैं उनका इलाज आज भी दिल्ली में चल रहा है। तो और उस घटना से बेसिकली ये सब को जोड़ के देखा गया और जितने सारे एविडेंस उस समय से हम लोगों को मिले सबको हम लोगों ने एनालाइज किया, लोकल लोगों से हम लोगों ने बात करी और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ पे लड़की के साथ ये घटना होना बताया गया वहाँ पर दो तीन न्यूट्रल आई विटनेस थे, उन लोगों से पूछताछ की गई है, उन लोगों की रिकॉर्डिंग्स हम लोगों के पास है और इससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि जो कल आरोप लगे हैं FIR में वो स्पष्ट प्रमाणित नहीं होते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हमने इन लोगों को कहा है जो पीड़िता पक्ष है कि अगर और भी आपके पास कोई एविडेंस है तो आप लेके आइए, हम उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई बनती है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। देखिए, प्रथम दृष्टया तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें वो प्रमाणित नहीं हुए हैं और अभी इसके बाद भी अगर कोई इनके पास कंक्रीट एविडेंस होगा कोई हमारे पास अगर ला करके देंगे हम उसका परीक्षण करेंगे, उसमें अगर कोई बात निकल के आती है तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह देखा जा रहा है अमूमन छेड़छाड़ को ढाल बनाकर लोग ढाल बना लेते हैं अपनी कार्रवाई करने के लिए, तो उसको क्या करेंगे आप? देखिए, इस तरह की अगर कहीं भी बातें जो FIR में लिखी गई होती हैं प्रमाणित नहीं होती हैं तो उसका भी एक कार्रवाई का आधार है, हम कार्रवाई करते हैं और हम ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी कहेंगे कि एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई फर्जी या कोई झूठा आरोप किसी पे लगाए तो उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। ये चीज़ हमारे लार्जर मेरठ से शहजाद शेख की रिपोर्ट।